पैसे के अभाव में अपने भी छोड़ के चले जाते हैं। जी हाँ, जिस दिन आपके पास पैसे रहेंगे उस दिन आपके सारे लोग रहेंगे, बहुत से रिश्तेदार बन जाएंगे, बहुत से दोस्त बन जाएंगे, लेकिन जब आपके पास पैसे का अभाव हो जाएगा या पैसे न रहें उस दिन आपके अपने भी सोच छोड़ के चले जाएंगे। जी हाँ, मैं बहुत अस्पष्ट शब्दों में और कटु सत्य की मैं बात करता हूँ, जब भी मैं बात करता हूँ इस समाज की कड़वी सच्चाई की बात करता हूँ। जरा सोचिए, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप जो है जस्ट में एक सबसे ज़्यादा जो वर्तमान समय में चल रहा है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की मैं बात करूँ, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली जाएगी। जी हाँ, ये सच्चाई कुछ तो है, चलो कुछ मामलों में तो नहीं लेकिन कुछ मामलों में है। अगर आप बिल्कुल नखादा हैं तो कोई भी, अगर आपका शादी शुदा जिंदगी है, अब आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपके अपने अर्थात पत्नी तक आपको छोड़ के चली जाएगी, आपकी वाइफ आपको छोड़ के चली जाएगी। अगर कोई भी इंसान, कोई भी पिता अपनी लड़की की शादी उस इंसान से नहीं करता है जो पैसे ना कमाता हो, जिसके पास आय का साधन ना हो, कभी भी कोई भी पिता, जरा बताइए, कोई भी पिता अपनी लड़की की शादी, अपनी बेटी की शादी ऐसे व्यक्ति से करना पसंद करेगा जिसके जीवन में पैसे का अभाव हो? कतई नहीं करेगा। वो कहेगा मेरी लड़की जीवन भर मेरे पास रहेगी लेकिन मैं ऐसे इंसान के साथ शादी नहीं कर सकता जिसके पास खुद भी खाने का नहीं है और तो मेरी बेटी को क्या खिलाएगा। बड़े दुलार से और बड़े प्यार से इंसान जो है अपनी संतानों को पालता है। डियर स्टूडेंट, ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? पैसा ना रहे तो गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाएगी, पैसा ना रहे तो बीवी छोड़ के चली जाएगी, पैसा ना रहे तो दोस्त छोड़ के चला जाएगा, पैसा ना रहे तो बेटा चला जाएगा छोड़कर, पैसा ना रहे तो ये सब छोड़ के चले जाएंगे, पैसा ना रहे तो ये सब छोड़ के चले जाएंगे, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है, इस जीवन में पैसे का महत्व तो है, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते? इस जीवन में अगर हमारा जीवन की अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर 50% दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए तो 50% जो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा है, 50 नहीं 75%, 90% जरूरत है, 90% पैसे की जरूरत है हमारे इस जीवन को चलाने के लिए, हमारी इस जीवन यात्रा को पूरा करने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपको स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहता हूं, ये बहुत कड़वी सच्चाई है जिसे आप झुठला नहीं सकते। पैसे की जरूरत आपको भी है, पैसे की जरूरत हर एक इंसान को है, पैसे की जरूरत सबको है। जब यह विश्वास होता है कि नहीं, यहां पे पैसे का अभाव नहीं होगा, तभी जाकर हम रिश्ता जोड़ते हैं, तभी हम रिश्ता जोड़ते हैं या किसी लड़के का या किसी लड़की का। लेकिन आपको यह बताया जाए, आपको यह परिचय दिया जाए, आपको यह बताया जाए कि यह लड़का कमाता कुछ भी नहीं है, यह बिल्कुल बेकार है, इसके पास एक रुपए की नहीं स्थिति नहीं है, इसकी औकात फूटी कौड़ी जैसे नहीं है, इसके पास जमीन जायदाद नहीं है, और लेकिन लड़का बड़ी अच्छे सोच का आदमी है, बहुत ही अच्छा आदमी है, बहुत ही ईमानदार आदमी है, यह देश दुनिया के लिए है, यह देशभक्त है, आप अपनी लड़की की शादी कर दीजिए। आपसे प्रश्न किया गया और कहा गया कि आप अपनी लड़की से शादी कर दीजिए, क्या जवाब होगा आप बताइए? अगर आपको मैं रखूं उस स्थान पे, क्या अपनी बिटिया की शादी करेंगे? क्या अगर मुझसे पूछिए कि सर क्या आप अपनी लड़की की शादी करेंगे, मैं बिल्कुल कहूंगा कतई नहीं करूंगा, कतई नहीं करूंगा, मैं किसी कीमत पे नहीं करूंगा। अब प्रश्न उठता है क्यों भाई, हमारे यहां हमारी बिटिया कोई दिक्कत नहीं हुई, और जब मुझे ये तो विश्वास हो जाए कि जहां मेरी बेटी जाएगी, जहां मेरी घर की लड़की जाएगी वो खुशहाल रहेगी, वो खुशहाल रहेगी। जब आपके पास कुछ है ही नहीं है तो फिर गृहस्थ जीवन में आने का कोई मतलब नहीं है, फिर आपसे कोई रिश्ता क्यों जोड़े, आपसे कोई संबंध क्यों? क्योंकि यह रिश्ता जो चलता है, ये जो रिश्ता चलता है वो स्वार्थ से ही चलता है। अगर स्वार्थ न रहे तो रिश्ता नहीं चलेगा, ये बात बखूबी जान लीजिए। अगर स्वार्थ है तभी रिश्ता है, स्वार्थ नहीं है तो रिश्ता भी नहीं है। यहां पर क्या स्वार्थ, यहां स्वार्थ मेरा है, एक पिता का स्वार्थ होता है कि उसका दामाद कितना कमाता है, उसकी लड़की खुश रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक है। और वही कहानी यहां है, पति मेरा क्या करता है, पति अगर कमाता है, पति के पास पैसे हैं, पत्नी आपको बड़ी प्रेम करेगी, गर्लफ्रेंड आपको बहुत मानेगी, लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चली जाएगी, और फिर वो अपना जीवन आपके लिए बर्बाद क्यों करे? जब आप अपनी सोच को नहीं बदल सकते, जब आप अपने आप को नहीं बदल सकते, आप कुछ कर नहीं सकते, आप पैसे नहीं ला सकते, जीवन की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते, अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकते, तो आपके साथ कोई क्यों रहेगा, क्यों रहेगा आप बताइए, आपके साथ क्यों रहेगा? आपके साथ कोई नहीं रहेगा, और आप जीवन में आपको अकेला रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैं कायर भी नहीं कह सकता, आपको मैं कायर भी नहीं कह सकता, क्योंकि आप कोशिश कर सकते हैं,
और जो लोग ये शब्द यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, मैं वो कोशिश भी नहीं करते, उन्हें ही वास्तव में कायर कहा जाता है। लेकिन मैं जानता हूं आपके अंदर वो क्षमता है कि आप कर सकते हैं। कभी हम मौका क्यों दें, क्यों दें हम मौका किसी को कहने का? तो पैसे के अभाव में आपके रिश्ते टूट जाते हैं, पैसे के अभाव में आपके रिश्ते टूट जाते हैं, ये ध्यान रखिए। तो पैसा, पैसा क्या है? कभी मैं, आप सोच रहे होंगे कि कभी सर हर जगह मैं बेरोजगारी चिल्लाता हूं, बेरोजगारी दूर करना है, कैसे? बेरोजगारी का मतलब क्या? इसका मतलब पैसे नहीं है आपके पास। पैसे आएंगे आपकी सारी समस्याओं का निराकरण हो, और जब पैसे नहीं होंगे तो फिर आप क्या करेंगे? आप दुर्दशा की स्थिति झेलेंगे। हम सरकार को दोष देंगे, हम रोजगार को दोष देंगे, तो कहीं ना कहीं तो है कमी। केवल एक व्यक्ति की कमी तो नहीं है, कमी तो सबकी है, मानते या नहीं मानते इस बात को। पैसा जरूरी है, जिंदगी को अच्छे तरह से ले जाना है तो पैसे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी, आपके साथ आपका जो भी, जिसे आप चाहते हैं, जिसे प्यार करते हैं, जिसे मोहब्बत करते हैं, वो आपको छोड़ के ना जाए, तो फिर पैसा कमाना आज से ही शुरू कर दीजिए। अगर आपके जेब में पैसा नहीं तो आपको फिर ये समय जो कह रहा है, वर्तमान समय कह रहा है, अगर आपके जेब में पैसा नहीं तो आपको प्यार करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं जरूरत की, तब मैं कहता हूं, लेकिन नहीं, प्रेम की परिभाषा दूसरी है। प्रेम की परिभाषा, प्रेम तो वह अमर प्रेम है जिसके बारे में कुछ शब्द ही पैसे से तुलना नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां जो मैं बात कर रहा हूं, आपकी जरूरत की बात कर रहा हूं। अगर आपकी जरूरत पूरी होती है, आप उस व्यक्ति की जरूरत पूरा करते हैं, तभी कोई इंसान आपके साथ लंबे समय तक रहता है। अगर नहीं तो फिर वो इंसान लंबे समय तक नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। तो पैसे के अभाव में आपके अपने छोड़ के चले जाएंगे, लिख लीजिए, पैसे के अभाव में आपके अपने छोड़ के चले जाएंगे, कभी आपसे संबंध नहीं रखेंगे। तो इस बात को समझिए और समझ करके वह वक्त मत आने दीजिए, आगे बढ़िए। मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज अपने जीवन को, जब तक यह जीवन है तब तक कुछ तो करिए, कुछ करिए, लेकिन करिए जरूर। एक रुपये कमाइए, लेकिन कमाइए। आज एक रुपया आएगा, कल दो रुपये आएगा, परसों दस रुपये आएगा, परसों लाख आएगा, निश्चित आएगा। लेकिन कब करेंगे? जब करेंगे तब आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। है ना सही बात? हाँ या ना? अपने अंतर्मन से पूछिए, फिर जवाब आपको मिल जाएगा। फिर इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।